तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए नया चैप्टर होगा क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इसे 8 में और 10 में वापस पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा नए चीज़ें जानने को मिलेगी। तो ये इस वीडियो में हम पूरे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, जिसकी वजह से मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये एपिसोड 1 है, जिसके अंदर हम आधा पार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का। एपिसोड 2 के अंदर हम और आधे पार्ट को करके हमारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसा कि चैप्टर के नाम में ही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इन्हीं तीन नाम के बारे में, ये है क्या, इनका काम क्या है, ये कैसे आते हैं, इसके बारे में ही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इनका वर्क क्या है, सब कुछ आपको डिटेल के अंदर पता चलेगा। आपको एसिड के बारे में पता चलेगा, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये सारे ही स्कूल्स के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर स्कूल के लिए, ये सारे बच्चे जो 7th क्लास में हैं उनमें ये चैप्टर आएगा एसिड बेस सॉल्ट। तो उनको जो है ये चैप्टर पढ़ना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा चैनल के बारे में और जानना है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम लोग को आप फॉलो कर सकते हो। तो देखिए, जो ये चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। ईजी वे में मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे। तो देखिए, ये एपिसोड 1 है, इसके में हम एसिड के बारे में, एसिड देखिए टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड, जिसे हम लोग नेचुरल एसिड भी कहते हैं। तो ये जो न्यूट्रल एसिड भी कहते हैं, ये जो एसिड हैं, ये एसिड दो टाइप के एसिड हैं, इन एसिड के बारे में हम जानेंगे, और साथ साथ में हम बेस के बारे में जानेंगे और एल्कालीज के बारे में जानेंगे। क्या इस पार्ट में, एपिसोड 1 में हम किसके बारे में जानेंगे? एसिड, एसिड के दो जो इसके दो पार्ट हैं, यानी कि इसका दो टाइप है, उसके बारे में जानेंगे, और बेस और एल्कालीज के बारे में जानेंगे। फिर अगले वीडियो में, पार्ट 2 में, हम एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में एक बार अच्छे तरीके से जानेंगे। देखिए, एसिड आप पहले भी एक बार पढ़ेंगे एपिसोड 1 में, यानी ये वीडियो में, पर एपिसोड 2 में मैं एसिड और बेस को बहुत ज़्यादा डिफाइन करूँगा, जिसके अंदर उसके अंदर की जो इंटीरियर बातें हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके पीएच वैल्यू और अलग अलग चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एपिसोड 1 है, इसके अंदर हमें एसिड, एसिड के टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, और बेस और एल्कालीज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखेंगे एसिड के बारे में। तो देखिए, एसिड क्या होता है? एसिड, एन एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सॉर, यानी कि एसिड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल है जो कि वाटर सॉल्यूशन में होता है, यानी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। जस्ट एसिड एक यही चीज़ है। देखिए, ये सॉल्ट है, मैंने आपको पहले बताया एपिसोड 2 में, इसके बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे। तो देखिए, एसिड जो होता है मेन, आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछे कि एसिड क्या है, वाट इज एसिड, या एसिड का डेफिनेशन लिखने का है, तो आप सिंपल लिख सकते हो एन केमिकल, या इस तरह से लिख सकते हो एन एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सॉर, या आप इस तरह से लिख सकते हो एन केमिकल इज एनी सब्सटेंस दैट इन लिक्विड सॉल्यूशन या इन ए लिक्विड फॉर्म टेस्ट सॉर। तो यही एक एसिड होता है, यानी ऐसा केमिकल जिसका स्वाद खट्टा होता है और वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो क्या है? एसिड है। तो देखिए, एसिड
जो है अब ये वर्ड आया कहाँ से। देखिए कोई ना कोई वर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं से आया होता है। जैसे अगर हम देखें तो एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो भी किसी ना किसी वर्ड से आया है। तो वो आसू वर्ड है, हुरबी जो लैंग्वेज है शायद उसमें से वो वर्ड लिया गया है। तो किसी ना किसी वर्ड आती है तो पहले किसी ना किसी वर्ड से ऑरिजिनेट होके आती है। तो ये एसिड वर्ड जो है कहाँ से आएगा, तो ये माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा कि एसिड वर्ड कम फ्रॉम, तो ये एसिड का जो वर्ड है ये आया कहाँ से बेसिकली। तो देखिए ये जो एसिड का जो वर्ड है ये बेसिकली आया है लैटिन वर्ड से। ज़्यादातर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ही आते हैं इंग्लिश में। तो देखिए एसिड जो वर्ड है ये भी लैटिन वर्ड से निकल के आया है। लैटिन वर्ड का एक वर्ड है जिसका नाम जिसका वर्ड है वो है एसिडस। तो देखिए एसिडस इसी वर्ड में से आपका एसिड निकला है। तो सबसे पहले एसिडस को समझते हैं। तो देखिए एसिडस का अगर हम हिंदी देखें, अगर लैटिन वर्ड में एसिडस का मतलब होता है खट्टा, क्या सॉर, यानी जो भी चीज़ खट्टा होता है उसको हम एसिडस कह देते हैं लैटिन की भाषा में। तो देखिए अब सीधी सी बात है, ऐसा कोई केमिकल हुआ आया इसका स्वाद खट्टा था तो जस्ट उसी के एसिडस के नाम पर बस उसका यूएस हटाकर एसिड उसका नाम रख दिया गया उस केमिकल का। तो इसी तरीके से एसिड का जो नाम है, नामकरण जो है, जिस तरह से ऑरिजिनेट ये लैटिन वर्ड एसिडस से हुआ है जिसका मतलब क्या होता है सॉर होता है। ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं, हायर क्लासेस में भी और लोअर क्लासेस में भी। ये सेवेंथ क्लास है, ये पहला लेवल है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके अंदर आपको एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में आप जानोगे। आप भी जानते हो कि फर्स्ट स्टेप इज हार्डर सब्सटेंस, हार्डर स्टेप फ्रॉम अदर स्टेप, यानी पहला स्टेप यानी पहले आप अगर आप एसिड बेस एंड सॉल्ट सेवेंथ में अच्छे से समझ जाओगे तो एट और टेंथ में आपके लिए ज़्यादा मुश्किल चैप्टर ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको सीधे सीधे एसिड आपको पता चला कि एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सॉर। तो यही सीधा सीधा एसिड का डेफिनेशन होता है और यही एसिड होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि एसिड के कुछ टाइप होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया एसिड के देखिए दो टाइप होते हैं। एक पहला टाइप होता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा टाइप होता है वो होता है मिनरल एसिड। तो अब ये ऑर्गेनिक एसिड क्या है और ये मिनरल एसिड क्या है, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एसिड तो समझ लिया, एसिड वर्ड कहाँ से आया वो भी समझ लिया, लैटिन वर्ड के एसिडस से ऑरिजिनेट हुआ ये समझ लिया। अब देखिए जो टाइप है एसिड के ये दो प्रकार के हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। तो देखिए अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। फर्स्ट आपका स्टेप हुआ एसिड में दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिड के कितने टाइप है तो आपको लिखना है टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड आर दोज टाइप ऑफ एसिड विच ऑक्यूर फ्रॉम नेचर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है, ऐसा केमिकल है जो कि नेचुरली पाया जाता है, जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है और वहीं से हमें क्या ये प्रिपेयर होकर हमारे पास आता है। ये नेचुरली अकरिंग जो एसिड है उसी को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो ये मेनली प्लांट और एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ से ये ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास डिराइव होकर आता है और इसका हम यूज करते हैं, तो इसी को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो ये मेनली प्लांट्स के फ्रूट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड आपको बस इतना समझना है कि ऑर्गेनिक एसिड जो है एक नेचुरल एसिड है जो कि नेचर से अकॉर्ड होता है और ये प्लांट और एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो सिंपली डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड आर दोज टाइप ऑफ एसिड विच अकॉर्ड फ्रॉम नेचर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स और कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। यही आपका सिंपल डेफिनेशन होगा और ऑर्गेनिक एसिड का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया। अब देखते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड इज कम्प्लीट, नाउ सी मिनरल एसिड। तो यहाँ पर देखिए कि मिनरल एसिड क्या होता है। तो जैसे मिनरल एसिड आर दोज एसिड विच प्रेजेंट इन अर्थ मिनरल कॉल्ड मिनरल एसिड। ऐसे एसिड जो कि अर्थ के मिनरल प्रिपेयर होकर आते हैं, हमारे अर्थ के मिनरल से वो प्रेजेंट होकर आते हैं उसे ही मिनरल एसिड कहते हैं। तो अर्थ के अंदर जो मिनरल होता है उस मिनरल से, ये भी एक नेचुरली है लेकिन इसको प्रिपेयर करने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है और ये मिनरल से पाया जाता है, इसी वजह से हम लोग इसे मिनरल एसिड कहते हैं। तो देखिए मिनरल एसिड हमारे अर्थ
के मिनरल में पाया जाता है और इसी से वहाँ पे ये डिराइव होकर हमारे पास आता है और जहाँ से हम अलग अलग मिनरल एसिड हमारे पास आता है। हम ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आगे के एपिसोड में और आगे के कुछ पॉइंट्स में। तो अब देखिए, हमने मिनरल एसिड तो और ऑर्गेनिक एसिड भी समझ लिया और साथ साथ में एसिड भी समझ लिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि हमने पहला जो टॉपिक था एसिड उसे कंप्लीट कर दिया और सेकंड टॉपिक जो था टाइप ऑफ एसिड उसे भी कंप्लीट कर दिया। अब हमारे सामने है थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है बेस। तो देखिए बेस क्या है, तो देखिए बेस आर दोज केमिकल विच टेस्ट इन बीटर एंड सोपी फील एंड इट्स पीएच वैल्यू इज मोर देन 7। तो देखिए बेस एक ऐसा केमिकल है जिसका जो स्वाद है वो कड़वा होता है और उसके अंदर सोपी टेक्सचर होता है, सोपी फील होता है और उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, मोर देन 7 होता है और 14 के पास होता है, 14 से ज़्यादा नहीं होता है और 7 से ज़्यादा, मतलब 7 से ज़्यादा होता है 14 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 7 टू 14 के बीच में आता है ये इसका पीएच वैल्यू। तो अब देखिए बेस क्या है, पीएच वैल्यू आप साइड में रखिए, मैं उसको बाद में आपको बताऊंगा। देखिए पहले देखेंगे बेस को, तो बेस जो एक ऐसा केमिकल है जिसका स्वाद कड़वा होता है। अभी एसिड देखा उसका स्वाद खट्टा होता था, अब बेस देखा इसका स्वाद कड़वा होता है। इसके अंदर अलग अलग सोपी फील यानी कि इसके अंदर सोपी टेक्स्चर होता है। देखिए सोपी टेक्स्चर मतलब आप समझ रहे हो, सोप जो होता है जब आप उसको यूज़ करते हो तो उसके अंदर एक सोपी फील होता है, मतलब वो बहुत जल्दी फिसलता है, वैसा ही सारे बेस में होता है। और जैसा कि सोप है, सोप भी बेस से बना होता है, सोप डिटर्जेंट इसके अंदर बेस होता है, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और अलग अलग जो है केमिकल्स होता है जिसको हम लोग बेस कहते हैं, जिसका टेस्ट कड़वा होता है और उसका सोपी फील होता है और इसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है। और आप बताते हो एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है। अब देखिए बेस भी हमने समझ लिया, हमने अपने 3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब हमारे सामने है हमारा 4th टॉपिक जो है एल्कालाइज। देखिए एल्कालाइज भी बेस का टाइप है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एल्कालाइज आर दोज बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड कॉल्ड एल्कालाइज। देखिए एल्कालाइज भी एक तरीके का बेस है, एक तरीके का नहीं यही बेस है, लेकिन बेस और एल्कालाइज में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए बेस जो होता है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता है, पर एल्कालाइज कुछ ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं और उसको एल्कालाइज कहते हैं। सारे बेस एल्कालाइज नहीं होते पर एल्कालाइज बेस होते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बना के रखना है। जितने भी बेस हैं वो सारे के सारे वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, कुछ ही बेस जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और वो एल्कालाइज होते हैं। तो एल्कालाइज बेस है, एल्कालाइज जितने भी हैं वो सारे बेस हैं, पर सारे बेस इस एल्कालाइज नहीं है, सारे बेस वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। तो ये भी आपको माइंड से क्लियर हो गया कि एल्कालाइज क्या है। तो एल्कालाइज एक ऐसे बेस है जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। तो अभी तक हमने अपने चार जो टॉपिक हमने इस एपिसोड के लिए कंसिडर किए थे उसको हमने अचीव कर लिया है और हमने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। मैंने अपनी पूरी 100% कोशिश की है आपको टोटली समझाने की, और इसका जो पूरा PDF है, पूरा प्रेजेंटेशन है, वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पर जाकर ले सकते हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट हैंडल का लिंक दिया होगा, वहाँ से विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया हमारे एसिड के टाइप, बेस एंड एल्कालाइज, चारों टॉपिक जो है मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर आपको ये एपिसोड वन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको और एपिसोड देखने इस चैप्टर के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे जैसे ही मैं एपिसोड 2 झट से आपके पास आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे आप हमारे चैनल से जुड़ जाओगे और उसी से आप हमारी एपिसोड 2 को भी वॉच कर सकते हो। एपिसोड 1 आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।